मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में मीका मोरेशेति को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। हे जाति जाति के सब लोगों, सुनो। हे पृथ्वी, तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान धर, और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे, क्योंकि देख, यहोवा तो अपने पवित्र स्थान से बाहर निकलता है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा, और पहाड़ उसके नीचे ऐसे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इसराइल के घराने के पाप के कारण से होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खंड में लुढ़का दूंगा और उसकी नेव उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग में भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले की ही कमाई से तो उसने उनको संचय किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई ही को हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लुटासा और नंगा चला फिरा करूंगा, मैं गिदड़ों की नाई चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों की नाई रोऊंगा, क्योंकि उसके घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदी पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जात भाइयों पर पकड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। गात नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो, बेत अपरा में धूली में लोटपोट करो। हे शापिर की रहने वाली नंगी होकर निर्लज्ज चली जा, सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती, बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि मारोथ की रहने वाली तो कुशल की बाट जोहते जोहते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकिश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत, तुझे से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इसराइल के अपराध भी तुझी में पाए गए। इस कारण तू गात के मोर्शेत को दान देकर दुर्द कर देगा, क्योंकि अकजीब के घर से इसराइल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मारेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा और इसराइल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा, अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवाकर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंधुए होकर तेरे पास से चले गए हैं।